नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के वीडियो सीरीज। इस सीरीज में हम चैप्टर 6 के अंदर आज डिस्कस करेंगे वाटर हैमर के बारे में। जलाघात टॉपिक है आज का। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में, कोई भी पाइप है उसमें कोई तरल प्रवाह हो रहा है उसके बारे में, ठीक है। तो उसी के अंदर ये वाटर हैमर भी इम्पोर्टेंट होता है जब आप पाइप में प्रवाह के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको एक टैंक दिखाई दे रहा है, दिस इज टैंक, और इसमें मान लो पानी भरा हुआ है, ठीक है, या इस हाइट तक, और यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है, दिस इज पाइप, और ये पाइप में यहाँ पे एक सिरे पे वाल लगा हुआ है ना। तो वाल को हम कंट्रोल करके क्या करते हैं, यहाँ से वाटर सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं, वाटर इस डायरेक्शन में से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जब हम ये वाटर यहाँ से फ्लो कब होगा, जब वाल को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और यहाँ से फ्लो होना बंद कब होगा, जब वाल को हम क्लोज करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम वाल्व को अचानक से बंद कर देते हैं, मतलब इसको बंद करने में जो लगा समय है बहुत कम है, अचानक से हम बंद कर देंगे, तो क्या होता है, ये फ्लूइड जो हाई वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये वेलोसिटी इसका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है ना, जीरो वेलोसिटी हो जाएगा अचानक से बंद करेंगे। तो अचानक से बंद करने से इसमें जो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी खत्म होने की वजह से इसमें जो संवेग है, जो मोमेंटम है, वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। और ये मोमेंटम खत्म हो जाता है, और क्या होता है, ये मोमेंटम जो है एक प्रेशर वेव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। प्रेशर वेव दाब तरंग के रूप में ये यहाँ पे बनता है। तो अचानक बंद करने के कारण ये जो प्रवाह हो रहा है जल या कोई भी द्रव, उसका मोमेंटम खत्म हो जाता है, और उसका मोमेंटम जो है वो दाब तरंग के रूप में बदल जाता है, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, बहुत अधिक प्रेशर उत्पन्न होता है। नॉर्मल सी बात है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जब वेलोसिटी आप जीरो कर देंगे यहाँ पे, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। और अचानक से बंद कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे उसका बहने का जो संवेग है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो संवेग खत्म होने की वजह से, मोमेंटम खत्म होने की वजह से, यहाँ पे हाई प्रेशर के कारण इसमें क्या होता है, प्रेशर वेव या दाब तरंग उत्पन्न होता है। और ये दाब तरंग जो है क्या होता है, इस पाइप की सहायता से पीछे की ओर ऐसे ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। मतलब वाल्व से ये टंकी को वेव जो है ट्रांसमिट होता है। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर वाल्व को अचानक बंद करें तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, और ये वेव, प्रेशर वेव जो है वो इस पाइप की सहायता से पीछे की ओर ट्रांसमिट होने लगता है, ठीक है। तो ये हाई प्रेशर वेव होने के कारण ही यहाँ पे क्या होता है, एक आवाज सी आती है, यहाँ पे एक शोर होता है या साउंड उत्पन्न होता है, उसी साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉकिंग कहा जाता है, ठीक है। अब ये हाई प्रेशर के कारण ही क्या होता है, ये जो फ्लूइड है या वाटर है वो क्या करता है, इस दीवार पे एक हैमरिंग एक्शन डालता है, मतलब इसमें आघात डालता है, इसमें हाई प्रेशर से बल आघात यहाँ पे लगाता है, हैमर की तरह, हैमर मतलब अचानक धक्का लगता है ना पाइप में, इस हाई प्रेशर जनरेट होने के कारण, इसलिए इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है, वाटर हैमर भी कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली वाटर हैमर है क्या, वाल्व को हम अचानक बंद कर देते हैं किसी भी पाइप में लगा हुआ इस वाल्व को, तो उसके कारण अचानक बंद करने से क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होता है, और ये हाई प्रेशर क्या करता है, पाइप के जो वाल्व है उसमें एक बल आघात लगाता है, इसी बल आघात को ही हम लोग वाटर हैमर कहते हैं, क्लियर है। वाटर हैमर का कॉन्सेप्ट एक तरीके का ये निगेटिव पॉइंट है, आप बोल सकते हो इफेक्ट जो आ रहा है, ऐसा वाटर हैमर उत्पन्न नहीं होना चाहिए किसी भी पाइप में, जिससे पाइप फटने का चांस रहता है, ठीक है। तो ये जो वाटर हैमर यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है वो किस किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, सडन प्रेशर राइज इन पाइप
ड्यू टू सडन क्लोज ऑफ वाल्व इज नॉन एज वाटर हैमर, है ना, ये वाटर हैमर कहलाता है, अचानक प्रेशर बढ़ने के कारण, है ना, उसमें बल आघात लगता है, वाटर हैमर है। और इट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स, किस किस पे डिपेंड करता है वाटर हैमर अधिक कब होगा, कब कम होगा, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज तो ये डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो पे, है ना, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप, किसी पाइप में पानी प्रवाहित हो रहा है तो उस पाइप में पानी का प्रवाह का वेग क्या है, अधिक प्रवाह का वेग वी अधिक होगा तो वाटर हैमर अधिक होगा, वी कम होगा तो वाटर हैमर कम होगा, ठीक है। दूसरा जो चीज है जिसपे वाटर हैमर इफेक्ट या प्रेशर जो वहां पे पैदा हो रहा है किस पे डिपेंड करता है, वो करता है लेंथ ऑफ पाइप पे, है ना, छोटा पाइप है या बड़ा पाइप है उसके आधार पे ये प्रेशर जो है इंड्यूस हो रहा है वो डिपेंड करता है, ठीक है, तो लेंथ ऑफ पाइप पे भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पे आप वाल्व को बंद करने में और उसको खोलने में कितना टाइम ले रहे हैं या बंद करने में कितना टाइम ले रहे हैं ये इस पे भी डिपेंड करता है ना, तो टाइम टेकन टू क्लोज द वाल्व, वाल्व को आप बंद कर रहे हो तो बंद करने में कम समय ले रहे हो या ज्यादा समय ले रहे हो उसके हिसाब से ये प्रेशर का मान बढ़ता है। अचानक से आप बंद करोगे कम टाइम लगेगा तो अधिक प्रेशर इंड्यूस होगा, और टाइम ज्यादा लगेगा बंद करने में तो कम प्रेशर इंड्यूस होगा, ठीक है। इसके अलावा जो पाइप मटेरियल है, है ना, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पाइप पर भी डिपेंड करता है वाटर हैमर के कारण जो प्रेशर इंड्यूस हो रहा है। तो ये कुछ फैक्टर है जिसपे प्रेशर जो पैदा हो रहा है, कम प्रेशर या ज्यादा प्रेशर, इन सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जनरली जो वाटर हैमर में हम देखते हैं तो इसमें वाल्व को बंद करने और खोलने का एक समय होता है, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि सडन अगर क्लोज करोगे तभी वाटर हैमर होगा, तो सडन कब होगा, है ना, या ग्रेजुअल धीरे धीरे कब होगा, है ना, सडन मतलब अचानक बंद करना, अचानक बंद मतलब कम टाइम लगेगा, है ना। अब इसमें वाल्व जो है हम अचानक बंद कर रहे हैं ये पता कैसे चलेगा, है ना, और धीरे धीरे बंद हो रहा है ये कैसे पता चलेगा, तो फाइनली ये टाइम पे है, अगर वाल्व को बंद करने में कम टाइम लग रहा है तो क्या होगा, सडन बंद होगा, है ना, अगर वो ज़्यादा टाइम ले रहा है तो धीरे धीरे बंद होगा, ठीक है। तो सडन क्लोज ऑफ वाल्व ये कब होगा, अचानक कब बंद होगा, जब टी का मान क्या होगा, टी क्या है, समय है बंद करने में, और ये क्या हो, 2L/C से कम हो, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वाल्व क्या है, सडन बंद हो रहा है। टी क्या है, वाल्व को बंद करने में लगा समय, टाइम टेकन इन सेकेंड। एल क्या है, लेंथ ऑफ पाइप है, जितना लेंथ ऑफ पाइप में वाल्व और टंकी के बीच में लेंथ है, और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव है, उस पाइप में एक प्रेशर वेव ट्रांसमिट होता है, कितने वेलोसिटी से प्रेशर वेव ट्रांसमिट हो रहा है इसका मान, तो ये 2L/C करेंगे और ये जो मान आएगा, है ना, उससे कम समय में हम अगर वाल्व को बंद कर दे रहे हैं तो सडन क्लोज इन वाल्व कहलाता है, ठीक है। अगर ये टी का मान क्या है, 2L/C से बड़ा है तो हम बोलेंगे कि वो ग्रेजुअल क्लोज हो रहा है ना, ग्रेजुअल क्लोज ऑफ वाल्व मतलब धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, तो इस इतना समय अगर आप लेके क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं, तो उसके हेल्प से हम लोग वाटर हैमर को रिड्यूस कर सकते हैं ना, टाइम को कम ज्यादा करके, ठीक है। अब ये जो वाटर हैमर है एक तरीके का इफेक्ट है, है ना, निगेटिव इफेक्ट है, इसको दूर करने के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करते हो, कहलाता है सर्ज टैंक, है ना। तो क्या होता है,
ये इस तरीके से एक टैंक है, हमने देख डिस्कस किया था, और यहाँ पे ऐसा पाइप लगा हुआ है ना, ये पाइप है, पाइप में यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है, ठीक है। ये वाल्व को बंद करने से यहाँ पे हाई प्रेशर इंड्यूस हो जाता है, तो क्या करते हैं, वाल्व के जस्ट पहले इस पाइप में एक छोटा सा वाटर रिजर्वायर कनेक्ट किया जाता है ना। तो ये रिजर्वायर, जो छोटा सा रिजर्वायर होता है, इसी को हम लोग सर्ज टैंक कहते हैं, और ये सर्ज टैंक का यूज करके ही वाटर हैमर को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम, ये एक तरीके का ऐसा रिजर्वायर होता है जो क्या करता है, पाइप में उत्पन्न होने वाले दाब को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ये सर्ज टैंक पाइप में अगर दाब बढ़ गया तो उसको कम करेगा, अगर यहाँ पे भी दाब कम हो गया तो उसको बढ़ाता भी है, तो दोनों तरीके से ये काम करता है, ठीक है। अब देखिए काम कैसे करता है, अचानक से हमने वाल्व को बंद कर दिया, तो यहाँ पे हाई प्रेशर इंड्यूस हुआ वाल्व में, तो ये सर्ज टैंक में क्या होता है, यहाँ से ये वाटर या लिक्विड जो है इसमें फिल हो जाता है, इसका लेवल बढ़ते जाता है, जिसके कारण यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर बढ़ा तो यहाँ पे लेवल बढ़ जाता है, और इसमें लेवल बढ़ने की वजह से यहाँ पे प्रेशर कम होता है ना, इस तरीके से प्रेशर को कम करता है पाइप में। और जैसे ही यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, वाल्व को हमने खोला, ओपन किया अचानक से, तो यहाँ पे है ना वैक्यूम जैसी स्थिति हो सकता है या लो प्रेशर हो सकता है, तो लो प्रेशर की स्थिति में क्या होता है, यहाँ का लिक्विड जो है सर्ज टैंक का लिक्विड वापस पाइप में आ जाता है, फिल हो जाता है, और यहाँ का प्रेशर को फिर से मेंटेन कर देता है। तो ये सर्ज टैंक की सहायता से हम किसी भी पाइप में है ना, अगर प्रेशर वहाँ पे नियंत्रित करना है तो उसके लिए सर्ज टैंक का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर सर्ज टैंक जो है ये, अगर इसमें पावर, हाइड्रोलिक पावर के फॉर्म में हम यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पे सर्ज टैंक का यूज़ किया जाता है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया है ना, या आपका ऑटोमोबाइल्स में हो गए है ना, जहाँ पे फ्यूल सप्लाई हो रहा है, ऑयल सप्लाई हो रहा है, ऐसे जगह पे सर्ज टैंक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वाटर हैमर का जो इफेक्ट है वो समझ में आया होगा, किसी किसी वाटर हैमर किसी पाइप में हो सकता है और कैसे उसको हम दूर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।